कल पंजाब सरकार ने गिदड़बाह दे विच 11 केसिस आने की वजह करके गिदड़बाह दे विच कंप्लीट लॉकडाउन है जिहड़ा वह 3 दिनों दे लई डिक्लेयर किया है। मेडिकल शॉप्स यानी कैमिस्ट हॉस्पिटल और शराब के ठेके सो इस चीज़ तो पता लग जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार शराब के कारोबारियों प्रति शराब के ठेकेदारों प्रति कितना सुहिरद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का यह मैसेज के चाहे सब्जी दियाँ दुध दियाँ राशन दियाँ किताबों दियाँ दुकाना खुलन ना खुलन पर गिदड़वाह दे विच शराब के ठेके ने जिहड़े वह खुले रहणगे। 3 दिन तुसी रोटी बिना राशन बिना तो भुखे रह सकते हो पर शराब बिना नहीं रहा जा सकता। जलंधर अते अमृतसर तो बाद जिला मुक्तसर विच कोरोना प्रभावितों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। इसे दे चलदिया मुक्तसर दे जिला प्रशासन वालों सख्त कदम चुके गए ने। गिदड़बाह विच प्रशासन वालों 3 दिनां दी तालाबंदी सख्ती नाल लागू कर दी गई है जिहड़ी 29 जून तक जारी रहेगी। दूजे पासे जिले दे मलोट हल्के विच कोरोना दे वधदे मरीजां दी गिनती तो बाद इत्थे वीकेंड कर्फ्यू नूं सख्ती नाल लागू कीता गया है। मलोट दे जिहड़े इलाके कोरोना कारण ज्यादा प्रभावित ने उन्हां नूं प्रशासन ने पूरी तरह नाल सील कर दिता है अते पुलिस दी तैनाती कर दित्ती गई है तां जो कोई भी सरकारी हदायतां दी उलंघना ना कर सके। मलोट दे सील कीते गए इलाकियां अते पुलिस दे प्रबंधां दा जायजा जिले दे डिप्टी कमिश्नर MK अरविंद कुमार ने खुद मौके ते जाके लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों नूं हदायतां भी कीतियां अते लोकां तों सहयोग लई अपील कीती। इस दौरान SDM गोपाल सिंह ने कहा कि बिना मास्क पहने कोई भी व्यक्ति जेकर नजर आंदा है तां उस ते भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह 10 साल तो छोटा बच्चा जां कोई भी बुजुर्ग जेकर सड़क ते पाया गया तां उस नूं एकांतवास विच भेजा जाएगा। अज असी सारे शहर का दौरा लाया गया। अभी 5:05 तो शुरू किया पर देखा गया कि आलमोस्ट सारिया दुकाना जगह वो 5:05 से बंद सी। साढ़े दौरे दौरान जो दुकानदार से दुकाना बंद करके अपने घर में जा रहे थे सो इस करके थोड़ा थोड़ा रश बाजार से लगता है क्योंकि दुकानदार दुकाना बंद करके जा रहे हैं। सो मानजोग DC साहब भी अज इस शहर का राउंड ला के गए हैं। तो जिस तरह पिछले दिनों कोरोना जो केस कुछ पॉजिटिव आए हैं उन्होंने देखद हो असी सारे शहर वासियों भी फील करांगे भी वह बिना काम तो बाहर ना निकलन अपने अपने घर बैठन। 65 साल तो उपर के जोड़े बजुर्ग ने गे 10 साल तो घट के जोड़े बच्चे ने गे वह बिना काम तो बाहर कोई ना निकलन। एमरजेंसी दौरान जो कोई संकट काल के एसेंशियल सर्विस लिए उन्होंने जाना पैंता है कोई मेडिकल मेडिसन लिए जाना पैंता है उस परपज लिए जा सकते हैं पर बिना किसी कामकार तो उन्होंने अपील है भी वह बाहर सड़क के ना निकल। जेकर कोई इस तरह का कोई 65 साल तो उपर का व्यक्ति 10 साल तो घट के बच्चे जोड़े सड़कों पर बिना किसी कामकार तो तुरते पाए जाते हैं तो उन्होंने वास्ते असी स्टेट क्वारंटाइन है जोड़ा वो इतने बनाया हुआ मलोट तो असी उन्होंने फिर उत्तर 10 दिन जोड़ा है उ रखा स्टेट क्वारंटाइन। उधर गिदड़बाह तालाबंदी लागू होने तो बाद गिदड़बाह के विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगवाई हेठ हल्का के इलाकों नूं सैनिटाइज करन दा उपराला किया गया। इस लई विशेष तौर पर मंगवाई गई मशीन नाल हल्के के वक्त-वक्त इलाकों नूं सैनिटाइज करन दा काम शुरू किया गया। पिछले दिन ही काफ़ी केसिज आए 9 केसिज आए हैं जिन्हों का सानू लगता कि कंटैक्ट है जिहड़ा वो काफ़ी लोगों नाल होया है। असीं उन्हां नूं सारे उन्हां दे कंटैक्ट ट्रेस कर रहे हैं गवर्नमेंट एंड उन्हां नूं चैक कर रहे हैं। कल काफ़ी नैगेटिव भी आए है रिजल्ट अज भी सानू कुछ मैनू लगता कि राहत मिलेगी और इस करके अज सैनिटाइज किया जा रहा है सारिया UPL कंपनी दी मशीन्स लैके सारे शहर नूं सैनिटाइज कर रहे हैं। अलग अलग खित्तियां दे विच पिंड दे आले पासे वार्ड नंबर 1-2 आले पासे इत्थे मैं खुद आप सो सैनिटाइज कर रहा। गिदड़बाह विच प्रशासन वालों की गई सख्ती ते आम आदमी पार्टी ने सवाल चुके ने। आप दे विधायक अमन अरोड़ा ने सरकार ते दोहरे मानदंड अपनाउण दा इल्जाम लगाया। देखो एक बारी फिर तो पंजाब सरकार दी शराब दे कारोबार प्रति कमिटमेंट वो एक बार दोबारा फिर सामने आई है। कल पंजाब सरकार ने गिदड़बाह दे विच 11 केसिस आने की वजह करके गिदड़बाह दे विच कंप्लीट लॉकडाउन है जिहड़ा वो 3 दिनों दे लई डिक्लेयर किया है और उस दे विच सिर्फ 3 चीज़ों नूं अलाउ किया गया जिस दे विच मेडिकल शॉप्स यानी कैमिस्ट हॉस्पिटल और शराब के ठेके। सो इस चीज़ तो पता लग जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार शराब के कारोबारियों प्रति शराब के ठेकेदारों प्रति कितना सुहिरद है कितना ख्याल रखना चाहती उन्होंने कितनी हाई प्रायोरिटी के उपर ने शराब के ठेके कि वह शराब जिहड़ी कि पिछले दिनों के जिस शराब माफिया ने पंजाब सरकार दीआं चूल़ा हिला के रख दित्तियां
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਪਰ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਇੰਡਸੈਟ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਚਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਢੁੱਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।